नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया फुड्रे आपको स्वागत। आज मुझे पखाड़ दिवस उपलक्षे दही पखाड़ थाड़ी रेसीपी नहीं कि आसी तो से बनई छुंक दि दही पखाड़ ता सहित तो साइड आइटम सब खांटी ओडिया रेसीपी शेयर करी। तो ये अच्छी बैगण आड़ू देक पिता गहम साग भजार रेसीपी ता सहित तो मुझे बनई टमाटो पोड़ा बा टमाटो चटनी तापर ये अच्छी सोरस बटा दे कि छुई आड़ू बड़ी भजार रेसीपी ता सहित मुझे बनई मसला दिया बैगण भजा तापर ये अच्छी आड़ू पोड़ा बा आड़ू चटनी ता सहित एटी अच्छी मिक्स आचार एटा रेडीमेड आचार अच्छी तापर मुझे किसी भजा बड़ी प्याज कंचा लंका आउ ता सहित काकुड़ी नहीं। तो एबे रेसीपी बनैया स्टार्ट करिबा। तो प्रथम छुंक दिया दही पखाड़ बनवा। तो पखाड़ी मुझे भात नहीं उषुना भात अच्छी जिते बड़े भी पखाड़ी भात को कुक करेंगे सब बेले या पूरा नरम करके कुक करेंगे आउ या बाहर कला समय टिके पेज व तोराणी रखिक या बाहर करेंगे। आउ दही पखाड़ी भात को पूरा मुझे थंडा करा थी एथेर दही एड कले दही छिड़बनी जदि भात टिके भी गरम थी दही छिड़ी से या पूरा थंडा करे। एबे एथेरे दही ऐड करिबा तो मुझे चार बड़ चमच दही को फेंटी नहीं दही को ऐड करिबा परे एथेरे स्वाद अनुसार लुण ऐड करिबे तापर या भल भाव मिक्स करिनेबे। दही आपण निज टेस्ट हिसाब से कम बेसी भी करिपारिबे। तो ये मिक्स हेगला एबे एथेरे पानी ऐड करिबा तो पानी टिके कम ऐड करिबे बेसी पानीया करिबेनी तो पानी आवश्यक अनुसार ऐड करिबे आउ याको मिक्स करिनेबे। तो ये मिक्स होगा एवं एथेरे चुंक लगे तो जीवा नेक्स्ट प्रोसेस को चुंक पाई गोटे तड़का पैन को गरम करेपर एथेरे गोटे चामच रिफाइंड तेल ऐड करेंगे आउ तेल को गरम करेपर एथेरे अधा छोट चामच सोरस ऐड करेंगे किसी भृसुंग पत्र आउ दि तीन टा शुखिला लंका ऐड करेंगे आउ या बस किसी सेकेंड पाई भाजी ने। तो ये चुंक रेडीगला एवं छुंक को पूरा पूरी थंडा करे थंडा हो सारापर या दही ऐड करेंगे छुंक गरम थी दही ऐड करें ना दही छिड़ी। तो ये छुंक ऐड करदेलापर टे डेकोरेट करने मुझे किसी धनिया पत्र को एमती सजे नहीं देखा भल लगी थाए। तो ये आम दही पखाड़ रेडीगला सर्व कला समय या मिक्स करके सर्व करेंगे। तो ये दही पखाड़ तो रेडीगला एवं जीवा तार साइड आइटम गुड़िक प्रिपेयर करवा। तो जीवा नेक्स्ट प्रोसेस को एबे सोरस बटा दे कि छुई आड़ू बड़ी भजा बनवा। छुई भजा बनवाई मुझे छुई को टिके सीझे नहीं पानी रे अल्प हलदी आ लुण पकईकी या टिके सीझे नहीं बस पांच मिनिट पर। तो अल्प टिके छुई ये सीझी जा तो एबे आकु गोटे जगह को बाहर करनवा। छुई ये सीझी जा भजा बनवा से गोटे पैन ने पखापाखि गोटे बड़ चामच सोरस तेल को गरम करे। तेल गरम हो सारापर ए किसी कटा रसुण को ऐड करेंगे आ सहित शुखिला लंका आउ या बस गोटे मिनिट पर टिके भाजी ने। तापर ए प्याज ऐड करवा तो अल्प प्याज को मुझे एमती काटि नहीं प्याज ऐड कलापर प्याजर कलर चेंज हो कि लाइट ब्राउन हवा पर्यंत प्याज को फ्राए करेंगे गैस फ्लेम को मीडियम रखिए। ये प्याज लाइट ब्राउन हो जाए ये आड़ू ऐड करवा तो मुझे आड़ू को चोप सहित एमती लंबा सेप्रे काटि नहीं तो आड़ को ऐड करदे अल्प हलदी गुंड आउ अल्प लंका गुंड ऐड करेंगे अल्प टिके जीरा गुंड पकईबे एवं ये स्वाद अनुसार लुण ऐड करदे सबको मिक्स करके आड़ को सीझा पर्यंत कुक करेंगे। तो से कवर करके कुक करवा जहाद्वारा आड़ टे जल्दी सीझी। तो कवर करके या लो मीडियम फ्लेम कुक करे किसी समय कुक कर सारापर ये आप देखिपड़ा आड़ सीझी जा तो ये आपको थे मिक्स करे तापर एथिरे दि चामच सोरस रसुण पेस्ट ऐड करेंगे आउ या टिके भाजी ने। सोरस रसुण पेस्ट ऐड करने द्वारा यही भजा बहुत टेस्ट लगी था खावापाई तो या टिके भाजी ने। तापर ये सीझे रखी छुई को ऐड करेंगे तापर किसी भजा बड़ी ऐड करेंगे आउ या मिक्स करके आउ बस गोटे मिनिट पर या कुक करे। तो फाइनाली ये आम छुई आड़ू बड़ी भजा रेडीगला सर्व करने तो या साइड रखिदापर नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। एबे मसला दिया बैगण भजा बनवा। बैगण भजा बनवाई बैगण को मुझ चोप सहित एमती गोल करके काटि नहीं मसला ऐड करवा तो ये अल्प हलदी गुंड तापर ए अल्प लंका गुंड ऐड करेंगे ता सहित ये अल्प जीरा गुंड आ स्वाद अनुसार लुण ऐड करदे
तापर एथिरे अध छोट चमच पानी ऐड करिवे। बस मसाला को मिक्स करिया पई पूरा अल्प टिके पानी देबे आउ याकु भलो भाबरे मिक्स करिनेबे। एही बैगण भजा बहुत शीघ्र कुक हो जाय थाए आउ खाइबा को मध्ये बहुत टेस्ट लागि थाए। तो मिक्स होई गला एबे याकु कुक करिवा। तो सेति पई गोटे तावा नेबे आउ सेथिरे अल्प टिके तेल ऐड करिवे आउ तेल को स्प्रेड करिनेबे। तापर एथिरे गोटे गोटे करिकि बैगण सब को रखि देबे। तापर यार गोटे साइड को बस गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे कुक करिवे। बैगण को बस सिझीवा पर्यंत कुक करिवे। तो गोटे मिनिट कुक करि सारला परे तापर यार साइड को चेंज करि देबे। साइड चेंज कला परे आरो पटे साइड टा को आउ गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत कुक करिवे। तो एटी बैगण भजा उभय साइड रु भले से कुक हो जाय छी आउ सिझी मते जाय छी। तो एबे याकु गोटे प्लेट को बाहर करि नबा। तापर आलू बैगण देकी पिता गहम साग भजा बनिबा। सेति पई सेम पैन रे बस गोटे बड़ चम्मच सोरिस तेल को गरम करि नेबे। तेल गरम हो सारा परे तापर एथिरे किछि कटा रसुण आउ गोटे सुखिला लंका ऐड करिवे आउ याकु बस गोटे मिनिट पई टिके भाजी नेबे। तापर एथिरे प्याज ऐड करिवे आउ प्याज रो कलर चेंज हे कि लाइट ब्राउन हो पर्यंत याकु कुक करिवे। तो एटी प्याज भी लाइट ब्राउन हे जाय छै। एबे एटी अल्प पंच फुटण ऐड करिवे आउ याकु किछि सेकंड पई फ्राई करि नेबे। तापर एथिरे मु एटी किछि कटा बैगण आउ आड़ू नै छी याकु एम्ति छोट छोट करिकि काटि नै छी याकु ऐड करि देबे। ता सहित एथिरे अल्प हरदी गुंडा आउ लुण पकेबे आउ याकु मिक्स करि नेबे। एबे बैगण आउ आड़ू को सिझिया पर्यंत याकु कवर करिकि कुक करिवे। किछि समय कुक करि सारला परे एठी आपण देखि पड़थिबे बैगण आउ आड़ू भले से सिझि जाय छी। तो एबे याकु थरे मिक्स करि नेबे। तापर एथिरे साग को ऐड करिबा। तो साग को मु भलो भाबरे बाछिकि तापर याकु वाश करि नै छी। साग ऐड कला परे याकु मिक्स करि नेबे। मु फर्स्ट रु लुण ऐड करि दै छी सेति पई आउ लुण ऐड करि नाही। एबे साग को सिझिबा पर्यंत याकु कुक करिवे। गैस फ्लेम को मीडियम रखिबे। तो किछि समय परे साग एटी सिझि जाय छी। एबे एई जो पानी देखु जंती सेटा साग रु बाहर छी। तो एई पानी को हाई फ्लेम करि के सुखै नबा जहा द्वारा साग टिके सुखिला हे जीव खाइबा पई टेस्टी लागिव। ताको पूरा ड्राई करि नेबे। तो फाइनली एठी हमारा पिता गहम साग भजा भी रेडी हो गला सर्व करिया पाई। तापर नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। तापर बनेबा टमाटो पोड़ा बा टमाटो चटनी। सेति पई मु एठी टमाटो को गैस रे रखी के पोड़ी नै छी। तो प्रथमे यार चोपा को बाहर करि नबा। तो एठी बाहर हो गला। एबे एथिरे किछि कटा प्याज ऐड करिवे। तापर एथिरे किछि कटा धनिया पत्र। एबे एथिरे गोटे कंचा लंका आ अल्प टिके रसुण छेचा ऐड करिवे। तापर स्वाद अनुसार लुण। एबे एथिरे अल्प बस अध छोट चम्मच सोरिस तेल ऐड करिवे आउ तापर ए सब को भल भाबरे चकटी नेबे। तो फाइनली एठी हमर टमाटो पोड़ा बा टमाटो चटनी रेडी हेई गला सर्व करिया पाई। एबे लास्ट रे बनेबा आलू पोड़ा बा आलू चटनी। तो सेति पई मु एठी सिझा आलू नै छी। आलू को गैस ऊपर रखी कि टिके एमती पोड़ी नै छी जहाँ द्वारा एथिरे पोड़ा टेस्ट आसीबो जहाँ द्वारा खाइबा पई टेस्ट लागिबो। तो एबे प्रथमे यार चोपा को बाहर करि नबा। तो एठी मु चोपा को बाहर करि नै छी। एबे एथिरे किछि कटा प्याज पकेबे। तापर एथिरे किछि कटा धनिया पत्र। एबे एथिरे कंचा लंका आउ अल्प टिके रसुण छेचा पकेबे। स्वाद अनुसार लुण आउ अध छोट चमच सोरिष तेल ऐड करिबे। एबे सबु को भल भाबरे चकटी नेबे। एबे एथिरे किछि सुखिला लंका गुंड ऐड करिवे। तो फाइनली एठी हमर टेस्टी आलू पोड़ा बा आलू चटनी भी रेडी हो गला सर्व करिया पई। फाइनली एठी हमर दही पखाड़ा सहित साइड आइटम सब रेडी हो गला सर्व करिया पई। जदि आपनको आजर मोर एही पखाड़ा थाली रेसिपीटा भल लागितिबो तबे आपन मोर ए वीडियो को लाइक आउ शेयर निश्चय करिवे। धन्यवाद।